डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनके बारे में कौन नहीं जानता। आज भारत का छोटा बच्चा भी इन्हें जानता है। हम सब जानते हैं वो एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान इंसान भी थे, और हम ये भी जानते हैं कि उनकी कई बातें कितनी प्रेरणादायी होती थी। उनकी बातों में जो मोटिवेशन होता था वो शायद आपको और कहीं ना मिल सके। उन्होंने जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारी बातें बताई है जो कि हम लोगों को अपने जीवन में जरूर लानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम की बताई गई बातों में से दो ऐसी बातें। अगर उस चीज को स्टूडेंट अपनी लाइफ में उतार दे या फॉलो करना शुरू कर दे, तो कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो या डल स्टूडेंट हो, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, वो भी टॉपर बन सकता है। तो आई रिक्वेस्ट के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ नॉलेज लेके जाओ ना। दोस्तों, सबसे पहली बात वो कहते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो बैरे बन जाओ। ये चीज स्टूडेंट लाइफ में बहुत फेस करनी पड़ती है कि उनकी कंपैरिजन होती है उनके फ्रेंड्स से या उनके आजू बाजू में रहते शर्मा जी के बेटे से। और कंपैरिजन हो या ना हो, पर ये लोग तो ऑलवेज होते हैं हमें सुनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव्स की। एक्चुअली में कोई भी स्टूडेंट एवरेज या डल नहीं होता, पर यही लोग उन्हें ऐसा बना देते हैं, उन्हें ये बोल बोल के कि तू नहीं कर सकता, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, इसे पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती एंड ऑल। अगर ऐसा सुनोगे तो पढ़ाई कैसे अच्छी लगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बहरे हो जाओ, आपकी नजर और आपके कान बस आपकी मंजिल पर ही होने चाहिए। लोग जो भी बोलते हैं बोलने दो, लोग तब भी बोलेंगे जब आप शुरुआत करते हो, लोग तब भी बोलेंगे जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, इवन लोग तब भी बोलेंगे जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। पहले ये बोलेंगे तू नहीं कर सकता, बाप के पैसे क्यों बिगड़ रहा है, पर जब वो बोलते रहे आप आगे बढ़ते रहो, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप कुछ अचीव कर लोगे, तब वही लोग बोलेंगे मुझे तो पहले से ही पता था ये कर लेगा, ये कुछ बन पाएगा या बन पाएगी। दुनिया ऐसी ही है, उनको उनकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, पर उनको दूसरों की सक्सेस से जलती है। तुम्हें जीतना ही है ताकि वो हारे, तुम्हें जीतना ही है ताकि आपके पेरेंट्स जीते, तुम्हें जीतना ही है ताकि आपका आत्मविश्वास जीते। तो यही तो है दूसरी बात, आत्मविश्वास। कलाम जी कहते हैं, अगर किसी भी चीज को आपको अचीव करना है या किसी गोल को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास ही आपकी जर्नी को 50% तक आसान कर देता है। जब आपको खुद पे विश्वास आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं सुननी किसी की, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, तब जान लो आपने उस मंजिल के लिए 50% रास्ते को काट लिया है। बस अब करना है हार्ड वर्क जो तुम कर सकते हो, और आपको करके ही दिखाना है। क्योंकि कलाम जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मंजिल के लिए बहरा हो जाता है और उसके लिए हर हद तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, एंड अगर उसे लगता है कि वो कर सकता है, तो समझ लेना वो एक दिन सच में उसे कर देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप आज से बहरे बन सकते हो अपने गोल के लिए, या आप खुद पे सिर्फ एक बार ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ? अगर जवाब में हाँ है तो कमेंट करके जरूर लिख दे कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ और मैं करूंगा या करूंगी। एंड मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो स्टडी बडी क्लब को, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपको देता रहूँ। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।